नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन संपन्न हुआ। कोविन पोस्ट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शाम 5:10 तक देश भर में कुल 2,41,136 टीकों की खुराक दी गई। देश में अब तक कुल 78,68,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। एक महीने से भी कम समय में चौथी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि देश ने अब तक सबसे तेज 1 करोड़ खुराकें देने का आंकड़ा पार कर लिया है। एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी कट्टरता और अतिवाद का कारण है। प्रधानमंत्री बोले कि एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित हैं और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ती हुई कट्टरता है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। आगे बोले कि इस मुद्दे पर एससीओ को पहल करके कार्य करना चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षा को खतरे का हवाला देते हुए पाकिस्तान का अपना वर्तमान दौरा रद्द कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं था। 17 सितंबर को होने वाले मैच के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में समय पर टीम नहीं आई और होटल के कमरों में ही बंद रही। इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने बताया कि उन्हें जो सलाह मिल रही है उसको देखते हुए दौरा जारी करना असंभव है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये पीसीबी के लिए एक करारा झटका होगा, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमारा मानना है कि इसके लिए यही सही विकल्प है। इसके जवाब में पीसीबी ने बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार सभी मेहमान टीमों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती है। हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट को भी इसका आश्वासन दिया था। G33 की आभासी अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन का कृषि समझौता काफी असंतुलन वाला है। ये विकसित देशों के पक्ष में है, जबकि नियमों को इस तरह बनाया गया है कि जो कि कई विकासशील देशों के खिलाफ है। उन्होंने सदस्यों से G33 गठबंधन की एकता को बनाए रखने, इसे और मजबूत बनाने में और जिनोवा में 12वें सम्मेलन के दौरान कृषि पर विकास केंद्रित नतीजों के लिए काम करने का आग्रह किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को सरकारी मंडियों को रद्द कर प्राइवेट मंडियों के लिए मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को नोटिफाई किया, जबकि उस समय किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। आगे बोले कि इसके बावजूद केजरीवाल सरकार ने एक सेशन बुलाकर बिल फाड़ने वाला ड्रामा किया। इस पर राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब की राजनीति के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार बड़बड़ाते रहने के कारण कांग्रेस हाईकमान से डांट पड़ी है, इसलिए आज वो बदलाव लाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक अदालत ने 17 सितंबर को 5 आतंकवादियों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसमें प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने आतंकवादियों के नाम भी साझा किए हैं। आतंकवादियों के नाम हैं मोहम्मद असलम, बशरत खान, मोहम्मद अली, नियाजा अब्बास और आदिल अब्बास। मुंबई हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को कहा कि महाराष्ट्र में हाथ से मैला उठाने की शर्मनाक प्रथा को खत्म करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि 1993 के बाद हाथ से मैला उठाने वाले कितने कर्मचारियों के काम के दौरान मौत हुई और क्या राज्य सरकार ने उनके परिवार को मुआवजा दिया है।
अदालत तीन महिलाओं की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके पति हाथ से मैला उठाते थे और दिसंबर 2019 में गोवंदी उपनगर में एक निजी सोसाइटी के सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय उनकी मौत हो गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, स्पोर्ट्स और बिजनेस जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।